देखिए दोस्तों, अभी छत में चढ़े हैं और पता नहीं कहाँ से पानी गिर चुका है। मतलब बरसात हो रहा था अभी और हम नीचे में थे, तो देखिए पूरा पानी पानी हो गया। पता नहीं कहाँ से ऊपर से गिरा। दोस्तों देखिए, जो मेरा डेस्कटॉप था जिसमें सामान रखे हुए थे समेट के, पानी भर चुका है। देखिए पता नहीं ऊपर से कहाँ से गिरा, लेकिन पानी भर चुका है। देखिए मतलब कहाँ से आया हमको समझ नहीं आ रहा है। देखिए नीचे में भी पानी पानी हो चुका है और अभी तो खिड़की बाहर तरफ पलस्तरा करवा रहे हैं, तो यहाँ से आ रहा पानी। हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ से पानी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कहाँ से पानी आया हमको समझ नहीं आ रहा है। यहाँ ऊपर ऊपर कहाँ से पानी गिरा हमको समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों देखिए, कहीं कुछ दिख रहा है? वो नहीं दिख रहा है। आया तो आया कहाँ से पानी? इतना बचा के रखने के बावजूद भी दोस्तों देखिए पानी गिर चुका है। देखिए मेरा जितना भी सारा सामान था सब बर्बाद हो चुका है। जितना भी सारा सामान था, फोन का कवर वगैरह, मेरा एक छोटा सा एम्पलीफायर था, क्या बोले हे भगवान। इधर भी देखिए पूरा तरफ पूरा फ्लोर में पानी ही पानी भर चुका है। दोस्तों देखिए फिर से इतना सेफ्टी रखे फिर भी पता नहीं कैसे क्या हो गया। बाहरी दीवार को दोस्तों पलस्तरा करवा रहे हैं। हमको लग रहा था तिरपाल में पानी जम गया होगा और ओवरफ्लो के कारण दोस्तों ऊपर से नीचे गिर गया होगा, लेकिन कहाँ से गिरा है वही तो समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ से गिरा होगा? देखिए इस जगह से गिरा होगा, जाहिर सी बात है ऊपर से गिरा होगा, तो कहाँ दिख ही नहीं रहा है। कहीं दिख नहीं रहा है कहाँ से गिरा। देखिए एकदम पूरा पानी पानी भर चुका है। देखिए मेरा पूरा पानी पानी भर चुका है। दोस्तों देखिए क्या हम बोलें, क्या कर सकते हैं। देखिए देखिए पूरा पानी पानी हो चुका है। देखिए पूरा सत्यानाश हो गया। देख रहे हैं माउस वाउस कीबोर्ड वगैरह कहाँ से पानी आया है हमको समझ में नहीं आ रहा है। मेरा बुक्स वगैरह सारा कुछ देखिए पूरा भीग चुका है। थोड़ा छत में जाके देखते हैं, मतलब चढ़ के देखते हैं कि क्या कुछ हुआ है। ठीक है, ये काम ही चल रहा है, अभी काम आधा रुका हुआ है। देखिए है ना, काम चल रहा है ना। हमको लग रहा जो तिरपाल दिए थे दोस्तों वो वाला, देख रहे तिरपाल, उसमें ओवरफ्लो हुआ है पानी और शायद नीचे गिरा है, लेकिन गिरने का कोई भी निशान दिख नहीं रहा है फ्लोर में कि कहाँ से गिरा है। तो चलिए चढ़ के देखते हैं। ठीक है, कैसे गिरा हमको खुद समझ में नहीं आ रहा। देखिए हमको लग रहा है ओवरफ्लो हुआ होगा, है ना, और ओवरफ्लो के कारण गिरा होगा। ये पूरा त्रिपाल दिए थे दोस्तों पूरा फट चुका है। हमको लग रहा है यहाँ पे ओवरफ्लो हुआ होगा और कैसे कैसे करके गिरा होगा भगवान जाने। दोस्तों देखिए साफ कर दिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि पानी जा सकता है अंदर में, देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्लॉक हो गया था। मुझे लग रहा है देखिए यहाँ पे पानी है ना, तो हमको लग रहा है यहाँ पे ब्लॉक होने के कारण यहाँ से घुस गया अंदर, और यहाँ पे मेरा गेट है। लेकिन देखिए मेरा गेट यहाँ पे है ना, मेरा गेट यहाँ पे है मेरे पैरों के सामने, और यहाँ पे रखे हैं सामान। तो मुझे लग रहा है यहीं से पानी अंदर गया होगा। हटा देंगे दोस्तों इन सारा
जितना बेचारे लगाए थे सबको हटा देंगे। और बाहरी दीवार तो प्लस्तर करवा ही रहे हैं, ऊपर भी थोड़ा मसाला वसला देंगे, सीमेंट वगैरह देंगे, क्लियर कर देंगे। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा दोस्तों मुझे इस सेटअप में। चलिए नीचे चलिए, अब क्या कर सकते हैं, जब थोड़ा बरसात रुकेगा, धूप ऊप निकलेगा, तब इसको पूरा क्लीन करवा देंगे, साफ करवा देंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या कर सकते हैं। अभी फिलहाल सेटअप में जल्द चलते हैं और साफ करते हैं जहाँ जहाँ पानी घुस चुका है। देखिए हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, देख रहे कितना रिस्की काम है नीचे उतरना भी। दोस्तों बहुत ही हालत खराब है मेरा, कसम से इतना नहीं सोचे थे, इतना केयर करने के बावजूद भी ऐसा हो गया। देखिए पूरा बेहाल हो गया, पानी में भर चुका है, थोड़ा थोड़ा दागी हमको दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा निशान दिख रहा है कि पानी कहाँ से आया। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, देख रहे हैं दोस्तों थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, देखिए तो पानी तो आया है, यहीं से आया है, ये वाला कल ही खरीद के लाए हैं। हार तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, इसको साफ करेंगे बढ़िया से, जो बन पाएगा करेंगे दोस्तों, क्या कर सकते हैं बताइए। यही आप लोग को दिखाना था कि देखिए कितना कष्ट भरा मेरा जिंदगी है, इतना भी आसान नहीं है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।